थ्री टाइम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये इंडिया है जो के इंटरनेशनली स्काउट क्लब का खिलाड़ी है, ठीक है ना। जब भी हम किसी गैजिंग में होते हैं तो इस रिदम के साथ स्काउट क्लब करवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है ये स्काउट कि हमने एक सिस्टमिक वे में अपनी चीज को चेयर किया है, शाबाश दी है अपने आप को या दूसरों को, ठीक है ना। तो आप लोग सब तैयार हैं अपने आप को शाबाश देने के लिए? Yes. देना चाहेंगे? Yes. तो फिर तैयार हो जाए। जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे फिर आप लोग शुरू करेंगे। अगेन सुन लीजिए, मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। अभी कोई नहीं कहेगा सिवाय मेरे। स्टॉप, क्लैप, लेट्स गो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 बस, ठीक है, हो जाएगा। कितने बच्चे कहते हैं हो जाएगा? होगा। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब मौजूद हैं, मैं इनको वेलकम कहती हूँ मरियम मुख्तार कॉलेज की तरफ से। और सर आपको जो है प्रिंसिपल हैं सर आसिफाबाद कॉलेज के, सर आपको स्काउट से मुतालिक जो है वो लेक्चर देंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने, इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मेरी आवाज बिल्कुल पीछे तक पहुंच रही है? सबसे पीछे जो बच्ची बैठी है वो अगर खड़ी हो जाएगी तो मेरी आवाज पहुंच रही है। गुड, बैठ जाए। अच्छा, कुछ मौसम की गर्मी, कुछ जोश, कुछ हमारा इतना सारा मजमा तो जा रहे, मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, इस कमजोशी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और आपको जो है एक चीज मुझे बतानी है। आज का जो हमारा सेशन है ये सिर्फ एक इंट्रो है आप लोगों के साथ कि स्काउटिंग है क्या चीज और क्यों ये जरूरी है आज के दौर में। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा रोवर स्काउट यूनिट है आपके कॉलेज का जो यहाँ पर हम आज कायम करना चाह रहे हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। इस हॉल में इस वक्त जो बच्चियां मौजूद हैं यकीनन उनका कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ जरूर होगा। आम तौर पर खवातीन एयर तो नहीं बताती, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं, हमें जरूरत है सिर्फ मंथ की। कोई जनवरी, कोई फरवरी, कोई मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, दिसंबर, जारी यही है ना, कोई 13वां महीना तो नहीं है। देखिए बहुत बड़ा अगर ग्रुप हो तो जाहिर काम करना मुश्किल होता है, क्लासिफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मैं आपकी मेरी बात समझिएगा, पहले मेरी जवाब आपसे चाहिए। ये जो बच्चियां यहां बैठी हैं अगर हम इनको क्लासिफाई करना हो अलग अलग ग्रुप्स में तो उसके क्या क्या तरीके हमारे पास है। एक तरीका तो ये भी थी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, जनरल साइंस, जो भी कुछ आपके ग्रुप के लिए तरीका कार है, एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा इसका। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, शाबाश किसी के जहन में तो बताएं, और क्या क्या तरीके हैं आपको ग्रुप बनाने के? नाम के हिसाब से जी, किसी का नाम ए से शुरू हो रहा होगा, किसी का नाम बी सी डी इस तरह से शुरू हो रहे होंगे। मैं भी बात कर रहा हूं बंद के साथ। दूसरा प्लीज आ जाए, ये हमारे साथ स्काउट लीडर है और बाकी दो लीडर जो वो ऊपर काम मुकम्मिल कर रहे हैं, ऊपर भी हमारा काम कर रहा है।
अच्छा, अब जो क्लैपिंग होगी थोड़ी मुख्तलिफ होगी। आप ने आपका मंथ ऑफ बर्थ जो है जनवरी फरवरी वगैरह कर ले, जब मैं कहूँगा जनवरी सिर्फ वो क्लैप करेंगे जो जनवरी की पैदाइश है, जब मैं कहूँगा फरवरी वो लोग जो फरवरी में पैदा हुए, मार्च अप्रैल मई, इस तरह से करके क्लैपिंग होगी। और ये हमारी टीचर जज करेंगे कि कौन बच्चे किस मंथ के ज्यादा बच्चे का बैठे हैं। ये चले हाँ, इनका भी मैंने टेस्ट रख दिया, ये लोग सब जज करेंगे कि आप लोगों में से कौन से मंथ में ज्यादा बच्चे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब मैं कहूँ जनवरी से जनवरी वाले क्लैप करेंगे, फरवरी तो फरवरी वाले क्लैप करेंगे। ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जुलाई की ज्यादा मैं भी जुलाई में उनके पास, तो जुलाई वाले लीडर कहलाते ना सर लीडर्स, तो मोस्टली यू आर लीडर्स, लेकिन बाकी सारे भी लीडर बन रहे हैं सब लोगों को। आप टीचर्स ने कहा कि जुलाई वाले बच्चे यहाँ ज्यादा बैठे हैं, तो अब जो है जरा थोड़ा जहन और हाथ उधर उठा के क्लैप कीजिएगा। अब मैं दो महीने के साथ दूंगा उन लोगों को क्लैप करनी है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना। अप्रैल सितंबर मार्च नवंबर चलिए, ये तो खैर थोड़ा सा इंटरेक्टिव था। देखिए बेटा, बात ये है कि हमें अल्लाह ताला ने तालियां बजाने के लिए पैदा नहीं किया, ठीक है ना। तालियां बजाना तो एक एक्टिविटी है, इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि वो दूसरों के साथ मिलकर अपने आप को दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। ये बुनियादी मकसद है इंसान। उस्मा वकार हमारी साथी स्काउट लीडर हैं, जो यहाँ पर आपको वादा कर रहे हैं, अच्छा हम चलते हैं अपनी उस बात की तरफ जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया है। आपकी प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनील शायद तरफ शुक्रिया कि उन्होंने जो है यहाँ पे हमें अपना वक्त मौका दिया कि हम आपके साथ यहाँ पर शामिल हो सकें। अच्छा बेटा, आप जो है वो तमाम बच्चियाँ जो यहाँ इसलिए बैठ गई हैं कि उनको जबरदस्ती बिठाया गया है, वो आज बिठाएंगे। कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जिसको जबरदस्ती डांट डपट करती है, खबरदार जाके बैठो वरना तुम्हारा फॉर्म खराब कर देंगे, तुम्हारे कुछ ऐसा कोई मसला नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये 15 मिनट जो है आपके भरपूर तरीके से होने चाहिए, सीखने के 15 मिनट होने चाहिए। आप तमाम लोगों में एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या है कि आप सब लोग स्टूडेंट्स। एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, टाइम नहीं खुद बता देता। एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खूबी होती है उसमें क्यूरियोसिटी। क्या होती है उसके अंदर क्यूरियोसिटी, को उर्दू में कहते हैं तजस्सुस। क्यूरियोसिटी या तजस्सुस का मतलब क्या है, जो चीज पता नहीं है उसके बारे में मालूम करना, उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में पता करना, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी या तजस्सुस। आज हमारे पास बहुत सारे जराए हैं कि जब हम चीजों को सीख सकते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सब हमें सिखाने के लिए मौजूद हैं। ये हमारा काम है कि हम कैसे सीखते हैं और क्या सीखते। स्काउटिंग जो है दुनिया भर में यूथ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो गुस्सा जो बैनर था ना, वो अगर यहाँ पे लग नहीं पाया, चले मैं उसको
यहाँ लगन का ये थोड़ा बैनर को एक बैनर है वो हमने बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप समझ सके स्काउटिंग क्या हेल्प करती है आप लोगों की। अच्छा अगर मैं आप सब खड़े होंगे तो आप आसानी से खड़े हो जाएंगे, आप लोग जल्दी से 5 सेकंड में खड़े हो जाए ठीक है। अब मेरी बात तवज्जो सुनिएगा, उसके बाद जो है मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूं। इतने सारे जो लोग यहां मौजूद हैं, स्काउटिंग जो है वो नौजवानों की दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है, सबसे बबड़ी मूवमेंट है। तकरीबन 7 करोड़ नौजवान हैं जो स्काउटिंग का हिस्सा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी तकरीबन 7 लाख रजिस्टर्ड स्काउट हैं जो मौजूद हैं। स्काउटिंग करती क्या है? स्काउटिंग आपको अच्छे अंदाज में रहना सिखाती है। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, हम सब चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, हम सब चाहते हैं कि हम जो है हेल्पफुल साबित हो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम खुद अच्छे होंगे। मैं किसी की मदद कब करूंगा? जब मुझे पता होगा कि मुझे मदद करनी कैसे। आपको कोई सवाल अगर आता है तो आप किसी और को उसका जवाब बता सकते हैं, ठीक है। 5 एरियाज हैं स्काउटिंग जो आपकी हेल्प करती है, आपको इम्प्रूव करते हैं। स्काउटिंग आपकी हेल्प करती है 5 तरह से। इससे पहले बात समझे, अल्लाह ताला ने हम पर कुछ हुकूम रखे हैं, 3 तरह के हुकूम। तो सबको बता दे, तीसरा को बता देगा तो उसके लिए छोटे छिपे नहीं हुआ वापस गिफ्ट करेंगे जी। 3 तरह के हुकूम है, ये बताएगा कौन कौन से हुकूम है हमारे। मैं बता देता हूँ, तारे टाइम भी कम है। नंबर 1, हुकूम को साथ हमारे अपने हुकूम हमारे हुकूम। आपके ऊपर आपका अपना हक, क्या मतलब हुआ इसका? आपको अपना ख्याल रखना है, आपको खाना पीना है, आपको कपड़े पहनने हैं, आपको अपने स्किन की सफाई रखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें हुकूम के साथ है। आप जो है अपने आप को तब तक बेहतर नहीं बनाएंगे आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या, हुकूम के साथ अपने आप को बेहतर बनाना। दूसरी बात है हुकूम अल्लाह। बड़ा कोई 2 लड़कियां जो है ना इस बैनर को खोलकर बुनियाद खड़ी हो जाए जगह, ताकि लोग देख सके क्या लिखा है। कोई भी 2 लड़कियां आ जाए, आपकी प्रॉपर्स वगैरह आ जाए, चाहे तो सीधा कर ले, सीधा कर ले, इस तरफ आ जाए। इतना बड़ा है कि आपको नजर आएगा वहां से, बड़ी हो गया ऊपर खड़ी होगी। ये 5 एरिया है जिसमें आपको बीच में थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में ये टीचर्स जो है वो छुपना जाए। तो पहला कौन सा है हमारा? हमारे ऊपर अल्लाह ताला का हुकूम के साथ, अपने हुकूम, ज़ाती हुकूम। आपको पता हो कि मेरी जिस्मानी तबीयत कैसी है, मैं खा क्या रही हूँ, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। उसी बात है हुकूमुल इबादत, हुकूम अल्लाह, अल्लाह के हुकूम। इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का कहना मानना है। तीसरी बात, हुकूमुल इबादत, अल्लाह ताला ने जो हमारे बंदे पैदा किए उनके हुकूम, उनके साथ में कैसे रहना, ठीक है। 3 हुकूम हैं, रिपीट कीजिएगा। पहला कौन सा हो गया? हुकूम की जात, अपने औलादी हुकूम। उसके बाद हुकूम अल्लाह, उसके बाद हुकूमुल इबादत, ठीक है। तो ये जो हुकूमुल इबादत है ये कब आप पूरे कर सकते हैं? जब आपको पता हो 10:30 बजे मेरी आवाज पहुंचेगी आप तक। हुकूम को इबादत पूरा करने के लिए पहले आपको पता हो कि हमें करना है क्या। अगर आपका पड़ोसी बीमार है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पता होगा कौन सी दवा देनी है तब आप उसकी हेल्प करोगे। तो किसी की मदद करने के लिए पहले खुद पता होना जरूरी है कि हमें मदद करनी क्या है। स्काउटिंग जो है वो आपकी हेल्प करती है। अब यहां आपको नजर भी आ रहा होगा स्काउट मेरी का मकसद क्या है।
स्काउट पैरेंट का बुनियादी मकसद नौजवान यानी आप लोगों को मदद प्रदान करना कि आप अपनी जिस्मानी, जहनी, सामाजिक, जज्बाती और रूहानी सलाहियतों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये स्काउटिंग का बुनियादी मकसद है। तो स्काउटिंग क्या करती है, वो आपको हेल्प करती है आपको बेहतर बनाने में, बस ये स्काउटिंग का काम है बुनियादी तौर। स्काउटिंग क्या करती है, स्काउटिंग बच्चों की नौजवानों की मदद करती है कि वो कैसे अपने आप को मजीद बेहतर बना सकते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसी होंगी कि जिनकी कोई सोच नहीं होगी, जो बस सुबह उठी, नाश्ता किया, कॉलेज आ गई, कहीं जाके खामोशी से लेट गई, थोड़ी देर व्हाट्सएप पे मोबाइल की चीजें देखी, फिर सो गई। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपके घर वाले भी हैं, आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ ना, इस इंटरेक्शन को जो है हमें कंटिन्यू कैसे करना है। ये पांच चीजें हैं जहां पर स्काउटिंग आपकी हेल्प करती है। इस हेल्प के लिए मुख्तलिफ बैजेस हैं स्काउटिंग के। हमने क्या किया है, तीन टारगेट बैजेस हमने सेलेक्ट किए हैं, जो भी बच्चे स्काउटिंग करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए ये तीन बैजेस जो है उसका सिलेबस मौजूद है। कोई दो टीचर आपको जो फोकल पर्सन बनेंगे, इसकी तफसील अभी आपको उज़्मा और ज़रका बता देंगी। मैं आपके साथ सिर्फ एक चीज शेयर कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको, स्काउटिंग कोई सियासी तंजीम नहीं है, कोई फौजी तंजीम नहीं है। हम खुद अपनी मर्जी से स्काउटिंग में शामिल होते हैं इसलिए कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। ये बेहतर बनाना पांच फील्ड्स में है। इस बेहतर बनाने के लिए स्काउटिंग में मुख्तलिफ बैजेस हैं। हम उनकी ट्रेनिंग कभी क्लास में बैठ के करते हैं, कभी हम बाहर मैदान में बैठ के करते हैं, कभी हम आउटडोर की एक्टिविटी में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तीन साल का जो टारगेट था वो अपने डेढ़ साल में रिड्यूस कर दिया गया, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि आपके कॉलेज से दो टीचर जो हैं वो हमारे फोकल पर्सन बनेंगे, हमारी साथ स्काउट्स उनको ट्रेन करेंगी ताकि वो आपकी मदद कर सके उन बैजेस को पास करने में। कुछ हम लेक्चर्स बना रहे हैं, वो लेक्चर जो है आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर और बाकी जगहों पर, आप उनको देख देख कर जो है अपने सिलेबस को पूरा करते चले जाएंगे। इस वक्त भी जो है मैं इससे कह रहा हूँ, इसके बाद जो है सारे गर्मी अच्छी खासी और गर्मजोशी भी आप लोगों की है कि यूसुफ रहमानी लेक्चर्स के नाम से आप जाइएगा चैनल पर, तो वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट के हवाले से चीज़ें हैं, वहाँ पर जो स्काउटिंग के हवाले से चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपकी हेल्प कर। वैसे तो खैर एजुकेशनल पीरियड है, कमर्शियल ज्योग्राफी का भी उसमें लेक्चर्स अलग हैं, वो सिलसिला अलग है, सीखने की चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ आपकी ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे वहाँ। यहाँ जो आप सारे लोग इसलिए इस वक्त जमा हैं कि आपको पता चले कि स्काउटिंग में आप शामिल होंगे तो क्या होगा। स्काउटिंग में अगर आप शामिल होंगे आपके पैसे स्काउटिंग पर आपको कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई गैर जरूरी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे एक्टिविटी जिसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा ये स्काउटिंग आपको सिखाएगी। तो जाहिर है इस वक्त बहुत देर से बैठे में गर्मी का मौसम है, ये तो मुझे एक मौका मिल गया कि मेरी आवाज आप तक आसानी से पहुंच रही है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करना चाह रहा हूँ, आप तमाम के साथ गर्मी को बर्दाश्त करें, और आप सब लोग जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मेरी बात सुनिएगा उस पर अमल कीजिए, ठीक है। इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, थोड़ी सी जो अकलमंद है वो बैठ जाए, जो अकलमंद है वो बैठ जाए जल्दी। क्या मतलब है, आपको शक है कुछ बेटा, कुछ शक है? जल्दी से वॉलंटियर के अलावा बाद में कर रहा हूं जी। सब लोग समझदार है ना, कलमन भी है, समझदार भी है और जहीन भी है। जहीन होना अलग बात है, तो लोगों को शक होगा अपने पर, लेकिन अकलमन तो सब कोई भी हुक्म नहीं होता। अब सुनिएगा, और जो अकलमन नहीं है
वो ना खड़े हैं। आम आदमी जो 7% इस्तेमाल करता है, 7% अपनी दाल इस्तेमाल करता है, 7% जरा और है तो 8% मैक्सिमम 17 तक गए, इसके ऊपर तो अभी हम गए नहीं है। तो हमारा ध्यान बहुत तेजी पर प्रोसेसिंग स्पीड का फर्क है। तो मैं ये स्पीड आपको बढ़ाना चाहता हूँ, फिर सुनिएगा। जो अगर मन नहीं है वो बैठे हैं, मैंने कहा जो कर्मन नहीं है वो बैठे रहे। एक बात जो समझते हैं जो कर्मन है वो खड़े ना हो, ये तो बहुत बड़े मजमून है, ये असल में एक्टिविटी में थोड़ी देर कंटी में मुख्तलिफ तौर पर जगह करवाता हूँ, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आपको कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, किन लिए एहसास हो रही है ना, आप पहले सुन रहे हैं तो फिर समझ रहे हैं, फिर समझ कर रहे हैं। यही कंप्यूटर का प्रोसेस है कि पहले होता है कि नहीं लिसनिंग प्रोसेसिंग फिर एक्शन, किसी का स्पीड ज़्यादा है किसी की स्पीड कम, ये स्पीड बढ़ानी आप हम आपको की बात करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बेटा देखिए एक इसी तरह में रखिएगा कि एक फालतू जिंदगी जो है वो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, हमारे पूरी कौम हमारी फालतू है, सही बता दूंगा। अब हमें अपने आप को काम का बनाना है, कम से कम हम अपनी जात को बेहतर बन जाए। मैंने सोचू किया प्रॉब्लम जगह पर, मैं सोचू बाहर कचरा पड़ा हुआ है, मैं सोचू कि हर तरफ ट्रैफिक तरफ है। ट्रैफिक तरफ क्यों होता है? जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर मैं और आप खुद कोशिश करें, अपने घर वालों को बताएं कि भाई नहीं अबू अभी सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ है, गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, नहीं भाई अभी तुम उठा के आगे नहीं लेके जाओ रास्ता बंद हो जाएगा, तुमको ख्याल रखो कि मुझे ख्याल करना है, जहां से निकले बिस्किट का पैकेट निकाला बिस्किट खाया हाथ फेंक दिया, इसको कौन खत्म कर सकता है, कौन खत्म कर सकता है। पहला काम जहन में रखने, कोई चीज जमीन पर नहीं फेंकनी, मुश्किल काम नहीं है, जहन में रखने यहां बच्चे हाइजीन के करीब मौजूद है। अगर यही चीज इस बात को मैं कर लेंगी कि चेंज आया घर में कॉलेज में बाहर कहीं भी, जहन बनाने कोई चीज जमीन पर ही फेंकनी है और फिर बाकी को भी बताएं क्या होगा, कहीं ना कहीं सफाई होना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं डॉक्टर उजमा आए आपको इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर बाद में भूमि सुधराई आई पूरी दुनिया में, ठीक है बोल रहा ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये दस्ते चक्कर मौजूद है, बड़ों का आप लोगों का हमारे बड़ों का, सही है। और ये जो तीन कुर्सियां हैं ये हमारे वादे की तीन हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा हमारे वादे का क्या है कि हम अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगी, ठीक है। एक हिस्सा यह हो गया कि अल्लाह ताला रसूल अल्लाह
बताएंगे खामोश की और बात होने वाली है। मैं कोई बात करता हूँ तो वो घबराते के बिना नहीं बात करने वाली है। आपकी प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है और हमारे कहते पूरी दुनिया में जहाँ भी स्काउट है वो ये सारे में तुम्हें पता नहीं थे कि ये स्काउट है, ये इस तस्वीर के मेम्बर हैं, ये स्काउट लीडर हैं, ये सिंपल सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम जो है सबसे पहले आपकी प्रिंसिपल को स्काउट रैली में शामिल करेंगे, तो मैं दरअसल रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और सिंपल साहबों को ये स्कार पहनाए और पानी। ये जो स्काउट है ये एक सिंबल है कि भाई ये जो भी पहना हुआ वो स्काउट है। स्काउट है स्काउट क्लब लेट्स गो। और सुनिए अच्छा जी ये अब दूसरी बात स्काउट पहना बच्चे यही कर रहा। देखिए ये जो क्लैप थी ना ये क्लैप तो थी आपके प्रिंसिपल के लिए, एक क्लैप आपको बजानी अपने लिए, लेकिन एक हाथ इस्तेमाल होगा सिर्फ। मैंने कहा एक हाथ इस्तेमाल होगा तो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके, एक तरीका तो डेस्क है और दूसरा तरीका दूसरे का हाथ है। और पहले दूसरे के हाथ के साथ क्लैप करते हैं। मैं जब कहूंगा मोशन का वेट कीजिए अपने राइट वाले का है ऊपर के हाथ ताकि जो ना नजर भी आए। स्टॉप क्लैप लेट्स गो। यही ऑर्डर है, जब मेरी आवाज खत्म हो एक साथ करेंगे ना तो फिर जैसे अभी मैडम एकदम हिलके रह गई थी, ये कहां से पहुंच आ गई भाई तालियां बजाने वाली, तो इनको डराना नहीं है, इनको एहसास दिलाने हम सब आपके पीछे हैं। ओके डेस्क के साथ स्काउट क्लैप लेट्स गो। अच्छा भाई आप में से कोई ऐसी बच्ची जिसकी आज जो बर्थ है आज सालगिरह है जिसकी, कोई ऐसी बच्ची जिसकी आज सालगिरह है, छोटे छोटे गिफ्ट है हमारे पास, अगर बच्ची ऐसी है जिसकी आज बर्थडे है आपकी है किसी की है तब आ जाओ भाई सारे और ताली नहीं बजानी है। अच्छा अब ताली नहीं बजाएंगे करेंगे हमारे पास जापान में प्रोग्राम कौन सा बने भैया जापान में प्रोग्राम होते तो वहां की गिफ्ट की वो इनको हम दे रहे जिन बच्चों को स्काउटिंग में शामिल होना है तीन चीजों के लिए, अपने आप को बेहतर बनाए, कुछ ऐसा करें जो किसी और ने ना किया हो और शरारती और हासिल करें, जो बड़ा टारगेट है हमारा मैंने लिया हुआ है तो सबके लिए मुमकिन है। तो फिर वो आगे आए अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाए, तरीका ये होगा कि आपकी प्रिंसिपल जो है आपके दो टीचर्स को प्रसन्न के तौर पर मुंतखब करेंगे, ठीक है, और जो बच्चे भी स्काउटिंग में शामिल होना चाहते हैं
वो उनके चक्कर में मुझे लेके मैडम सगुप्ता जो है ये आपकी फोकल पर्सन है, उनके साथ कोई और भी शामिल होंगे, इंग्लिश के सर जो है वो भी आपके साथ होंगे, तो आप लोग अपना नाम जो पहले लिखवाएं, इतना काम आपका है। ये क्या करेंगे मतलब आपको क्या करना है मैं बताऊं, स्काउटिंग की वो भी क्या है ये करेंगे, बाद में जरूर पीछे हो जाएंगे, यहाँ आता हूँ ना लोग डरते कि मैं नीचे नहीं जाऊँ। तो ये क्या करेंगे, जितने बच्चे विलिंग होंगे स्काउटिंग में आने के, ये उनको इकट्ठा करेंगे, ये उनके 6, 7 या 8 के ग्रुप बनाएंगे जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल कहते हैं। ये पेट्रोल नहीं है, वो पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, पी ए वाला, वो पी ई वाला, वो पेट्रोल बनाएंगे। अब उसके बाद इनका काम खत्म। अब अगर 6 लड़कियों का ग्रुप है जिसको पेट्रोल कह रहे हैं, अब उनसे कहा जाएगा कि वो जो है अपना एक लीडर बनाए। अब यहाँ पे खुद उनकी डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई, उनकी अपनी आप अपने अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई वो सोचे किसको लीडर बनाना है, फिर वो उसका एक असिस्टेंट बनाएंगे खुद मिलकर आपस में, फिर वो अपने नाम रखेंगे हर ग्रुप का नाम, या तो रंगों पर या जानवरों पर या परिंदों पर, 3 चीजें हमने डिसाइड की हुई है, या तो कोई कलर आपको कोई कलर पसंद है उस कलर का नाम, कलर आपने जैसे हमारा था, मेरा ब्राउन पेट्रोल था मेरा, जब मैं रोवर स्काउट था, जब मैं बॉय स्काउट था तो मेरा रॉबिन पेट्रोल था, ईगल पेट्रोल था, यानी परिंदों के नाम जानवरों के नाम। अब वो नाम रखते हुए आप उनकी वो खूबी जरूरी है, जी मैं आपको बता रही हूँ, पर ट्रेनिंग जो होगी उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ लेक्चर्स, कुछ ट्रेनिंग, सब चीजें मिलकर जो है आपको इस काबिल बनाएगी कि आप जो 3 बैचेज है जिसपे काम करना है, PRS 1.5 साल में, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 1 साल में, और वर्ल्ड स्काउट एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये 3 बैचेज इस पर हमने फोकस किया है। हमने डीजी साहब को भी कहा कि सर इंशाल्लाह 1000 बच्चे जो है, मेरा टारगेट ये है बी असिस्टेंट स्काउट कमिश्नर फॉर ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, 1000 बच्चे हमारे अगले साल फरवरी में, जब आप लोग अगले साल जाएंगे तो उसके बाद 1000 बच्चा हमारा जो है वो बाकायदा क्वालिफाइड बैच होल्डर हो, बैच उनके पास हों, बैच उनके लगे हुए हों। जैसे मेरे देखें कि बैच लगा हुआ है, ये बैच जो है अटास कहलाता है, जब तक मैं आपकी तरह से बॉय स्काउट और रोवर स्काउट था, आप लोग रोवर स्काउट है, कौन है आप लोग? रोवर स्काउट, 17 साल से 25 साल तक की उम्र के रोवर स्काउट कहलाते हैं। ये ट्रेनिंग जब होगी तो आपको सिखाएंगे ये लोग सारे। मैंने उस दौर में PRS किया जो हाईएस्ट बैच था, PRS मैंने 17 बैचेस किए थे, मेरी यूनिफॉर्म में सारे बैचेस लगे रहते थे वो सारे के सारे। लेकिन जब मेरी उम्र खत्म हो गई, मैं जब स्काउट लीडर बन गया, वो सारे बैचेज उतर गए, उनके से 1 बैच लग गया अटास। काशिफ साहब जैसे कि मैं पता आपके इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और ये भी आपके फोकल पर्सन हैं और आपके स्काउट यूनिट लीडर होंगे मिस शगुफ्ता के साथ, और ये मिलकर आपके स्काउट ठीक है भाई। ये थोड़ी सी बात आपसे मुझे करनी थी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, मुझे भी जाना है आपको भी जाना है। आप सब लोगों ने जो क्लैपिंग की, आप सब लोगों ने जो स्पिरिट का मुजाहरा किया, वो वर्थ अप्रिशिएटिंग, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, आप खुद अपने आप को, आपको अगर अच्छा लगा अपने आप तारीफ खुद करें, अपने आप को शाबाश दें। तो शाबाश कैसे देंगे जी, ऐसे उठाए आप उसको पीछे, यहाँ जब मैं कहूँगा शाबाश शाबाश तो आप बोल देंगे शाबाश, और थपकेंगे अपने आप को, तो मैं कहूँगा शाबाश शाबाश बोले मुझे शाबाश शाबाश शाबाश। आप सब लोग माशाल्लाह बेस्ट हैं, मेरा खास नारा है जो मैं लगवाता हूँ बच्चों से, मैं जब कहूँगा हु इज द बेस्ट तो आप सब कहेंगे दैट्स मी, क्या कहेंगे? माशाल्लाह ऐसी आवाज होगी किसी से पहले सुनी ना हो, हु इज द बेस्ट। अब जरा उत्तर दिखा दे,
Who is the best? Vaccine. Yes, बहुत शुक्रिया. और अगर माया तो बात करनी है. ठीक है, तो हमारा आज का काम यहाँ खत्म होता है और एक नारा लगाएंगे जरूर. पाकिस्तान में होने का दावा कर रहे हैं तो आज ही करेंगे. और वो नारा इससे पहले शायद मैंने इतना आवाज से नहीं सुना होगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. एक बार और, पाकिस्तान जिंदाबाद.